अच्छा, हमारा सोशल सेक्टर में आप ट्रांसजेंडर इश्यूज पे आप काफ़ी काम करी, मतलब आप एक्टिव हैं उसमें, आप बताएँ कि आप किन किन एरियाज पे आप काम कर रहे हैं? ट्रांसजेंडर्स के अंदर हम बेसिकली ट्रांसजेंडर राइट्स और इनके इश्यूज के ऊपर काम कर रहे हैं. एज आई टोल्ड यू कि इन जनवरी 2020 वी हैव अ वर्कशॉप, ठीक है, जो कि स्पेशली इसके ऊपर हुई थी कि हम जिसमें ट्रांसजेंडर इश्यूज और ट्रांसजेंडर्स के जो प्रॉब्लम हैं उसको कवर अप कर सकें, जिसमें तकरीबन ऑलमोस्ट देर वर 18 ट्रांसजेंडर्स, लाइक इट वाज नायाब, इट वाज आयशा इज इन इट नाउ इन एचआर नायाब इज इन यूएन एंड जी बिल्कुल बबली को भी मैं जानती हूँ, शी इज़ ऑल्सो इन यूएन, माशाल्लाह शी इज़ क्वाइट हेल्दी. तो अच्छा माशाल्लाह, सो मतलब लॉट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स हैं और हम लोगों ने किया, बल्कि हमारा मल्टी स्टेक होल्डर्स का एक ग्रुप भी बना हुआ है जिसके अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें हम शेयर करें. एंड इफ़ देर इज़ सम इशू, कोई ऐसा इशू आए कि जिसके अंदर हम कुछ स्टेप इन कर सकें या कोई राइट कर सकें, तो हम उन्हें सपोर्ट करें. ट्रांसजेंडर के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ थी, इनके अंदर इनको अर्निंग इशू बहुत ज़्यादा है. हाउ दे आर गोइंग टू एम्पावर देयर सेल्फ, वी हैव वेरी स्मॉल एग्जाम्पल्स लाइक 10 or 15 पीपल्स जो कि ट्रांसजेंडर के अंदर इस वक्त मल्टीपल, एक अभी रिसेंटली आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ द ट्रांस, शी इज़ इन PGN राइट नाउ एंड मल्टीपल माशाल्लाह काम कर रहे हैं. लेकिन ट्रांसजेंडर राइट्स में हम ये फोकस कर रहे हैं कि उनके जो इश्यूज हैं, उनके जो अर्निंग इश्यूज हैं और उनको जो मल्टीपल हरासमेंट्स का वो इशू होते हैं, क्योंकि वो फैमिली से उनको कोई सपोर्ट नहीं होती, दे हैव टू सर्वाइव विद देयर गुरुज एंड दे हैव टू मेक देयर सेल्फ. लॉट ऑफ ट्रांस आर इन मीडिया राइट नाउ. तो एक इशू हुआ था मेरे ख्याल से, मैंने लास्ट कन्वर्सेशन में जो हमारी अभी सिंपोजियम हब का कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लोबली, उसमें भी मैंने ये इशू प्रेजेंट किया था फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांस को मेडिकल इशू बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, देर आर नॉट अ हॉस्पिटल और स्पेशल डॉक्टर फॉर द ट्रांस, और ट्रांस के पास क्योंकि डॉक्टर्स नहीं हैं. रिसेंटली आप कह सकते हैं पॉली क्लिनिक में बिफोर अबाउट इट्स 7 to 8 मंथ्स के पहले की बात है, देर वॉज अ ट्रांस जिसकी डेथ हो गई क्योंकि डॉक्टर वॉज नॉट एबल टू टच, क्योंकि उनको ये लग रहा था ही इज़ अ ट्रांस और उसके पेट में दर्द है और हम इसको कैसे करेंगे. एंड आफ्टर 6 hours उसको 6 घंटे की पेन के बाद उसकी डेथ हो गई. तो इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रांस ने जो है ना इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर भी किया था और इस इशू के ऊपर हमने कहा था कि जी उनके लिए स्पेशल मेडिकल सेंटर्स बनाए जाएँ, स्पेशली उनको जो है डॉक्टर्स अवेल किए जाएँ ताकि वो आगे अपने आप को मेडिकली फैसिलिटेट करवा सकें. उनको फूड इशूज हैं, उनको जॉब इशूज होते हैं, तो इन इशूज को हम स्पेशली कवर करना चाहते हैं. इन माय ऑर्गेनाइजेशन आई ऑलवेज वांट टू हायर अ ट्रांस मोर देन अ मेल और अ फीमेल, क्योंकि दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट. अगर आप कभी किसी ट्रांस के साथ बैठें, उनके साथ डिस्कशन करें, दे आर फुल ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड फुल ऑफ लाइफ होने के साथ उनका जो सेंस ऑफ मतलब आप कह सकते हैं जजमेंट, उनकी नॉलेज एंड द वे दे टॉक, द वे दे डिलीवर द थिंग्स, वो बहुत आउट क्लास होता है, हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं वो. इसकी मेन वजह वो है कि फुल ऑफ लाइफ होते हैं, वो फुल ऑफ लाइफ होते हैं. फर्दर दे ऑलवेज वॉन्ट टू डू समथिंग, सो दे आर डूइंग रिसर्च अगेन 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 एंड अगेन. तो उनकी जो रिसर्च होती हैं वो हमारी नॉलेज से काफ़ी ज़्यादा बेटर होती हैं. एज मैंने आपको चंद नाम बताए हैं, इफ़ यू लुक दैम आई थिंक सो मोर देन एस दे आर सक्सेसफुल, उनकी सक्सेस है, उनकी वर्किंग है. ऐसा कर सकते हैं कि हम उनको इनवाइट कर सकें आपके प्लेटफॉर्म पे जितने भी ये मेन हैं? जी बिल्कुल, उनको या हम उनके पास कुछ चले जाएं, उनके जो इश्यूज हैं वहाँ पे. हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर हम करेंगे. हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप और हम कुछ इस तरह का प्लान करेंगे जिसमें हम एज अ ग्रुप हम उनके साथ बैठ सकें और उनके इशूज़ को जो है मीडिया पर भी ला सकें और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली मेरे कुछ ग्रुप इस तरह बने हुए हैं जो कि लोकल प्लस इंटरनेशनल फॉर एम्पावरमेंट एंड फॉर द इशूज कवरिंग बने हुए हैं, जिसमें हमें उनके इशूज को पुट इन करूंगी. एज आई टोल्ड यू कि 2020 की जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो हम लोग उसमें स्पेशल रूल एंड रेगुलेशन एंड फॉर द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सजेशन दी थी गवर्नमेंट को. तो वी विल ट्राई वर्क ऑन इट एज वेल. ठीक है.